हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आरसीआई ऑनलाइन क्लासेस। प्यारे विद्यार्थियों, हम गोलीय कोश, चालक गोला और खोखला गोला पढ़ रहे थे। उसमें तीसरा टॉपिक हमारा, जब बिंदु पी गोलीय कोश के अंदर स्थित हो। जब बिंदु पी कहाँ स्थित हो? गोलीय कोश। देखो, हमने दो पॉइंट कर लिए थे कि जब बिंदु पी गोले के बाहर स्थित हो, और दूसरा हमने कर लिया था जब बिंदु पी चालक गोले के कहाँ हो? पृष्ठ पर। अब हम लेते हैं अंदर स्थित हो। तो देखो, ये आपका गोलीय कोश है। गोलीय कोश पर आवेश है, एक समान रूप से वितरित रहता है। कहाँ रहता है? पृष्ठ पर। ध्यान रहे, कहाँ रहता है? पृष्ठ पर, ठीक है। और इस गोले की त्रिज्या माना कितनी है? कैपिटल आर है। और बिंदु पी अंदर स्थित है, तो मान लीजिए यहाँ स्थित है, और ये छोटा आर दूरी पर है। इसका मतलब छोटा आर जो है वो लेस देन है बड़े आर से। स्मॉल आर इज़ लेस देन कैपिटल आर, ठीक है। तो बताओ, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो हम जानते हैं विद्युत विभव की परिभाषा से, विद्युत विभव की परिभाषा है V बराबर माइनस समाकलन E डॉट dr, ठीक है। ये जानते हैं आप। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान रखना कि विभव कब आता है? जब आवेश, परीक्षण आवेश कहाँ से आता है? अनंत से। तो पहले बताओ, जब बिंदु P अनंत पर रहेगा, अनंत से कोई आवेश आएगा, अनंत से आएगा तो पहले कहाँ आएगा? पहले गोले के पृष्ठ पर आएगा, और पृष्ठ से फिर अंदर आएगा। तो यहाँ पे दो भागों में टूट जाता है। जब भी अंदर की कैलकुलेशन होगी गोले की, तो ये आपको ध्यान रखना विशेष रूप से कि पहले अनंत से जो बिंदु है वो पृष्ठ पर आएगा, और पृष्ठ से फिर अंदर आएगा, ठीक है। तो इसकी लिमिट हम बढ़ा देते हैं। तो इसकी लिमिट बनेगी V बराबर माइनस, पहले अनंत से आएगा कैपिटल R, कैपिटल R मतलब पृष्ठ पर, ठीक है। और कैपिटल R पे आएगा तो E आउट रहेगा यहाँ, यानी कि विद्युत क्षेत्र कौन सा काम मिलेंगे? E आउट इंटू dr। फिर माइनस समाकलन, फिर कैपिटल R से कहाँ आएगा? कैपिटल R से, यानी कि अगर यहाँ कैपिटल R है, कैपिटल R से स्मॉल R, और इसमें हम विद्युत क्षेत्र काम में लेंगे अंदर वाला इंटू dr, ठीक है। अच्छा, अब आपने जो चालक गोला है उसका विभव विद्युत क्षेत्र अंदर ज्ञात कर रखा है। ई इन कितना होता है बेटा? ई इन जीरो होता है। आपने ज्ञात कर रखा है कि चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या रहता है? जीरो। क्यों रहता है? क्योंकि चालक गोले के अंदर आवेश नहीं रहता। चालक गोले के अंदर आवेश नहीं रहेगा तो विद्युत क्षेत्र क्या रहेगा? जीरो। एक बात और क्लियर है कि चालक गोले पर आवेश रहता है, लेकिन पृष्ठ पर रहता है, अंदर नहीं रहता, इस वजह से जीरो है ना। ई आउट हमने ज्ञात कर रखा है कि विद्युत क्षेत्र आउटसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर, इस जो चालक गोला है इसके बाहर विद्युत क्षेत्र हमने ज्ञात कर रखा था, वो क्या था? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान है क्या? दोनों मान यहाँ रख देंगे तो आपके पास आ जाएगा वी इन, हम तो इन निकाल रहे हैं अंदर की तरफ, तो वी इन आ जाएगा माइनस अनंत से कैपिटल आर, और आउट क्या जाएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर से स्मॉल आर, और ये जीरो इंटू डी आर, ठीक है। जीरो इंटू डी आर का समाकलन करेंगे, जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ, वी इन बराबर माइनस अनंत से कैपिटल आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये जीरो, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा वी इन, क्या कॉमन है इसमें से? के क्यू कॉमन है, ये माइनस चिन्ह, अनंत से कैपिटल आर, और वन अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये डी आर चल रहा है ना, यहाँ भी डी आर आई, ठीक है ना, ये डी आर। अच्छा, इसका तो अपन ने कर रखा है कैलकुलेशन, क्या आ जाएगी करके देख लेते हैं। इसकी कैलकुलेशन मैं इधर लिख देता हूँ, देखो, तो वी इन इज इक्वल टू माइनस का के क्यू, एक बटे आर स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा? माइनस एक बटा आर, कर रखा है अभी, किया था, और लिमिट है अनंत से कैपिटल आर, लिमिट रखो तो वी इन इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का के क्यू, ठीक है। पहले अपर लिमिट, या फिर माइनस को बाहर निकालो, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, पहले अपर लिमिट एक बटे आर, फिर सूत्र का माइनस एक बटा इन्फिनिटी, पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट, बीच में माइनस का चिन्ह, एक बटा इन्फिनिटी जीरो हो गया, ये पता है ना आपको, जीरो हो जाएगा, तो वी इन आपके पास आ जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ठीक है। ये आ गया आपके पास अंदर स्थित बिंदु पर विभव, जबकि विद्युत क्षेत्र जीरो आता है, अपन ने दूसरे चैप्टर में कर रखा है,
ठीक है ना। और लेकिन अंदर स्थित बिंदु पर विभव जो है वो कभी जीरो नहीं होता, के क्यू अपॉन आर आता है। अब तीनों विभव में एक बार लिख देता हूँ आपके सामने और एक ग्राफ बनाते हैं। तो देखो तीनों विभव क्या क्या आए आपके पास, ध्यान से देखेंगे। तो एक तो आया आपके पास वी आउट, वी आउट आया आपके पास के क्यू अपॉन स्मॉल आर। फिर पृष्ठ पे क्या आया, वी सरफेस, सरफेस पे आपके पास आ जाता है के क्यू अपॉन कैपिटल आर। और वी इन कितना आया बेटा, वी इन भी आया के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, इसका मतलब ग्राफ बनाएं स्मॉल आर में और वी में, स्मॉल आर में और वी में अगर ग्राफ बनाते हैं तो ये दोनों देखो क्या स्मॉल आर पे डिपेंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे। इसका मतलब यहाँ से विभव जो है सरफेस तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, ये सरफेस, सरफेस तक, अंदर से लेके सरफेस तक विभव क्या रहेगा, एक समान रहेगा, यानी कि विभव में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद आउट में क्या है, आउट में है वी आउट जो है वो एंटी प्रोपोर्शनल है वन अपॉन आर, व्युत्क्रमानुपाती किसके है, छोटे आर के। तो इसका मतलब ग्राफ कैसा आएगा, यहाँ तक सरफेस है, ये गोले का केंद्र है, ठीक है, तो विभव यहाँ तक तो सेम रहेगा, वी इन और वी सरफेस देखो दोनों समान है, यानी कि सरफेस तक समान रहेगा स्ट्रेट लाइन, यानी कि विभव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ जितना विभव है, मान लीजिए 5 वोल्ट है तो 5 ही चल रहा है आगे तक, यहाँ तक 5 चल रहा है। लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा, जैसे ही अपन करेंगे तो ये एंटी प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ इस तरह से आएगा और यहाँ आ जाएगा वी आउट जो है वो एंटी प्रोपोर्शनल वन अपॉन आर। ठीक है, और यहाँ जो है वी इन जो है वो आर नॉट के बराबर, आर नॉट का मतलब कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ आर इज लेस देन, आर इज लेस देन कैपिटल आर, और यहाँ है आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। बात समझ में आई क्या, तो इस तरह से अपन इसका ग्राफ बनाते हैं। यहाँ देखो जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे विभव का मान कम होता जाएगा, देखो इस पॉइंट पर देखे तो विभव का मान और कम हो गया, इस पॉइंट पर देखे और कम हो गया, इस पॉइंट पर देखे और कम हो गया, तो विभव क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे विभव का मान कम हो रहा है। और यहीं सूत्र से पता चल रहा है कि अगर दूरी बढ़ेगी तो विभव का मान क्या होगा, कम होगा। क्लियर है, तो इस तरह से इनको सॉल्व करते हैं। देखो ये तीन टॉपिक एक साथ क्लियर हो गए हमारे, चाहे गोलीय कोश हो, चाहे चालक गोला हो, और चाहे आपके पास खोखला गोला हो, तीनों की कैलकुलेशन सेम है, कैलकुलेशन सेम है, थ्योरी सेम है, ध्यान रहे। क्लियर है, अब हम पढ़ेंगे अगला जो टॉपिक आएगा हमारा, वो आएगा कुचालक गोला, कुचालक है ठोस गोला। कुचालक गोले में ध्यान रहे आवेश अंदर रहता है, यानी कि जहाँ कुचालक को आवेश देते हैं आवेश वही रहता है। ठीक है, और कुचालक गोला कैसा रहता है, ठोस रहता है, ठोस रहेगा तो आवेश अंदर की ओर रहेगा, पृष्ठ पर नहीं रहेगा। तो कैलकुलेशन जो है वो कुछ चेंज होगी, लेकिन बाहर स्थित बिंदु पर और पृष्ठ पर कैलकुलेशन लगभग वही रहती है, सेम रहती है कैलकुलेशन। लेकिन अंदर स्थित बिंदु पर जब अंदर आवेश आ जाएगा गोले के, तो अंदर स्थित बिंदु पर कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज हो जाती है, जिसको हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ एक बात है, अपने जो वीडियो चल रहे हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।